पाकिस्तान से कुछ लड़ाई हो रहा था ना, ऐसे कुछ माहौल बन गया था, युद्ध करने का।
दिखा रहे थे अगर इस बार विश्व युद्ध छिड़ गया, इतने एटॉमिक बम बना के रखे हैं, आता बम का प्रयोग करने का भी जरूरत नहीं, ये पृथ्वी संपूर्ण जल करके ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे एटॉमिक बम बना के रखा, पूरा गिरेगा, एक दिन वो गिरेगा, लेकिन कब गिरेगा? जब भगवान देखेंगे भगवान को भजन नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा है। बुद्धि किसने दिया है एटॉमिक बम बनाने का? कृष्ण खुद कहते हैं लता में बुद्धि जो तब कम, ये बुद्धि देने वाला मैं, बुद्धि मैंने दिया है, और भगवान की इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलता है। उन्होंने जो एटम बम बनाया है कृष्ण का ही इच्छा है, ठाकुर को इच्छा है, क्यों बनाए? कारण क्या? इसलिए बनाए जब ठाकुर जी देखेंगे मेरी भक्ति भक्ति कोई कर ही नहीं रहे हैं, बस खा पी करके बच्चे जा रहे, जानवर जैसे खाए पिए बच्चे जन्म दिया भरी है, और जिसका दुनिया उसकी दुनिया में रह रहे हैं, उस दुनिया का खा रहे हो हैं, उसकी दुनिया में रह रहे हो, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करते हो। देखना हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ ना, वहाँ ऑक्सीजन देते हैं, उसका पैसा पेमेंट करना पड़ता है नहीं, ऑक्सीजन का पैसा पेमेंट करना पड़ता नहीं, लेकिन हम जो फ्री में जो ऑक्सीजन दे रहे किसका है? मेरे बाप ने बनाया। बताओ तेरे बाप ने बनाया? क्यों कहो? बराबर बनाया किसने? बनाया उसने। इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं जिनी तनु दही ताही विसराई, कैसे नमक हरामी मौसम कोन कुटिल खलकामी। जिसने तुम्हें दुनिया दिया, संसार दिया, परिवार दिया, दुकान मकान सब दिया, और उसको ही भूल कर बैठे हैं। इसलिए कहते मेरे जैसे कोई तीन खाल का भी दुनिया में होगा? जिसने तुम्हें दुनिया सब कुछ दिया तुम उसको ही भूल कर बैठ गया। इसलिए संत लोग तो दुनिया के कल्याण के लिए भजन करते हैं, जब देखिए कोई भजन नहीं करता बस लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी लड़ाई हो जाता है, लेकिन भगवान कहते नहीं किया। बोले क्यों? बोले अभी भी मेरे कुछ भक्त लोग जो भजन कर रहे हैं, मेरे जो भजन कर रहे हैं, अगर ये आटा को गिरेगा तो मेरे भक्त भी मर जाएंगे। लेकिन कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा किया है, क्या प्रतिज्ञा किया? बोले गौते प्रतिजानी न मैं भक्त का प्रणश्रति है, और जो तो प्रतिज्ञा करो जो मेरे भजन करते हैं भक्ति करते हैं वो कभी मरेंगे भगवान, और जो से प्रतिज्ञा की बात करवाए। इसलिए जब उन्होंने संतों से त्याग मंगवाए तो दुष्ट संतों से त्याग मंगा रहे हो, अभी तेरे को दिखा दे। संतों ने अपना खून को शरीर से काट करके अपना खून को एक घड़े में भर दिया, और घड़े में भर करके ले इसको ले करके रावण को दे देना, और बोलना कि जो घड़ा में जो खून है ना यही तेरे काल होगा, यही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। रावण स्वरूप डर गया, संतों ने अभिशाप दिया, और उसी समय वो संत साधारण नहीं होते थे, सचमुच से भजन भक्ति करने वाले बड़े प्रकार के होते थे। इसलिए रावण ने बोले एक काम करो, न जलेगा बांस न बजेगी बांसुरी, उसको लेकर मिट्टी खोद कर काट दो, बस खत्म हो गया। लेकिन गाड़ दिया, लेकिन गाड़ दिया तो अभी संतों के बाद कभी छुटा नहीं होगा। इसलिए जिस समय श्री जनक महाराज वो खेती कर रहे थे, वो खेती करते समय क्या हुआ, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, हल 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 का जो नोक है जो किनार है वही लग गया, लग गया तो ये क्या है? देखा वहां से ये सीता देवी वहां से निकली, इसलिए उसमें जो लोहा रहता है उसको क्या कुछ भाषा में उसको या सिक्का क्या कहते हैं, इसलिए वही से उसने प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम पड़ गया सीता नाम पड़ा है। और यही सीता ही मेरे प्रभु राम को साथ में क्या हुई, शादी हुई। लेकिन सीता को नहीं, यदि साक्षात माँ लक्ष्मी। इसलिए कहते श्री जनक महाराज के पास में शंकर जी का धनुष था, सीम धनुष था,
इसलिए वो इतना बड़ा वो सीप धनुष था, जिस धनुष को 400 व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह पर उठा कर ले जाते, इतने बड़ी। लेकिन उसका दो कारण बताते हैं। एक समय है ये बचपन में सीता जी गेंद खेल रही थी, खेलते खेलते ये गेंद कैसे धनुष को नीचे फंस गया, फंस गया तो भैया सीता ने क्या की, एक हाथ से पकड़ी और उसको उठा दी और उसको नीचे उन्होंने गेंद को निकाल। जनक महाराज देखे का आवारी मेरी बेटी को अंदर में इतने शक्ति और एक हाथ से उठा करके और दूसरे हाथ से गेंद निकाल दी, जिसको 400 लोग जिसको उठा कर ले जाते हैं, इतनी ताकत है। तो भैया मेरी बेटी कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात माँ लक्ष्मी जगदम्बा, ये जगह लेने नहीं। अभी इसको साथ में जो शादी है, लक्ष्मी को तो नारायण ही तो शादी कर सकता है ना, लेकिन पता कैसे चलेगा ये नारायण। अगर ये धनुष को कोई उठा करके उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दे, उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दे, फिर तो पता चलेगा, क्योंकि नारायण ही उसको उठा सकता है, उठा नहीं सकते, उससे प्रमाणित हो जाएगा यही नारायण ही। और दूसरा कारण कहते हैं कि तो भैया सीता जब घर में लिपाफ का लगा देते, पहले तो सीमेंट नहीं होता, पहले मिट्टी गोबर से लिपाफ पता करते थे, वो एक हाथ से उठा करके और दूसरे हाथ से उसके नीचे ये लिपाफ पता लगा देते, फिर तो जनक महाराज को पता चला मेरी बेटी लक्ष्मी और इसको साथ में नारायण भी शादी कर सकते और कोई शादी कर ही नहीं सकते। इसलिए महाराज राम जो पहुँचे कहाँ, जनकपुरी में, पहले जनक महाराज भी ये ब्रह्मा ज्ञानी थे, ये भी भगवान को निराकार 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 मानते थे, भगवान का तक रूप नहीं कौन नहीं वो तो निराकार। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इन्हें विलोक तो अति हरस था बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब जब निराकार निराकार कहते थे, लेकिन जब भगवान राम जनकपुरी में गए, जब उन्होंने भगवान राम का रूप देखा है ना, बोले इतने ही बिल्लोपत अति हर्षिता, भगवान राम को बिल्लोपत, बिल्लोपत मतलब कोई दर्शन नहीं, जब विशेष पूर्वक प्रभु राम को उन्होंने दर्शन किया, अति हर्षिता, पहले तो अनंत था, जो भगवान को निराकार निराकार मानता था ब्रह्मा ब्रह्मा, लेकिन उसमें जो आनंद है, हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नहितार एक बिंदु। बोले कृष्ण प्रेमानंद में जो आनंद है, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी उसका एक बूंद का बराबर भी नहीं कर सकते, इतने कृष्ण भक्ति में कृष्ण रस में इतने आनंद है। यद्यपि कहते आनंदमय ब्रह्मा, ब्रह्म क्या है वो आनंदमय है, उसमें भी आनंद है, लेकिन जैसे एक व्यक्ति शराब पी करके बेहोश होकर पड़ा रहता है उसमें आनंद ऐसे है, उसमें अचेत होकर पड़ा रहता है एकदम जैसे गंजड़ी मंगड़ी होते हैं ऐसे ही उसमें स्थिति है। लेकिन बोले इतने ही बिल्लो का तो अति हर्षिता, जब उन्होंने प्रभु राम को देखा, और इन हृदय में प्रभु राम को रूप देख करके आनंद में एकदम अत्यंत प्रसन्न हुए, फिर तो समझ गए मैं तो ब्रह्म 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 बोलता था निराकार निराकार, लेकिन ये राम को देख करके मन से अपने आप पांच लाख खत्म हो गया। अभी उनका मन प्राण चित्त प्रभु राम में ही डूब गया, फिर वो समझ गए ये राम कौन है, ये ब्रह्म नहीं, राम कौन है परम ब्रह्म है राम। तो यही मेरी जानक की जो लायक ना ये, इसने जिस समय धनुष यज्ञ हो रही थी, जनक महाराज की प्रतिज्ञा थी जो प्रत्यक्षा चढ़ाएगा उसको साथ में बैठे शादी हुई थी, बड़े बड़े लोग आकर कोशिश कर रहे थे लेकिन दस से बस नहीं कर पा रहे, लेकिन जनक महाराज देख देख कर सोच रहे थे जो उठाएगा वो तो चुपचाप बैठा और जो उठा नहीं पाएगा वो ही कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में यही होता है, जो
रहेगा ना तो चुपचाप बैठा रहता है, और जो नहीं कर पाएगा वही आकर के अपना बहादुर भी हमता है। इतने में जब किसी ने भी कदर रावण की कोशिश किया था है, लेकिन हाथ तो फंसाया, लेकिन धनुष इतना बड़ा था, हाथ तो फंसाया लेकिन हाथ तो निकाल नहीं पाया। इसी तरह से लोग आदमी को उठाया, रावण ने हाथ को उठाया और भागा वहां से भाग गया रावण। इसलिए अभी श्री जनक महाराज सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं जनक महाराज जी, चुपचाप कहीं बैठा हुआ, लेकिन उनको उठाया कैसे? तब उनने एक उदाहरण दिया, कहते लक्ष्मण को बताया ये घंटा है और राम क्या, बोले झंडा है। बोले झंडा कहाँ रहता है? बोले डंडे के ऊपर झंडा रहता है, पहले डंडा उठेगा बाद में झंडा उठेगा, पहले तो झंडे को उठाओ लक्ष्मण को उठाओ फिर राम के कहने उठेगा। इसलिए उन्होंने थोड़ी सी छेड़ दिया, लगता है कि प्रतिनिधि वीर शून्य हो गया, क्योंकि जिसकी धनुष को मेरी बेटी एक हाथ से उठा लेती थी और इतने बड़े बड़े राजा उसको तस से तस नहीं कर पा रहे, बात सुन लगता है प्रतिनिधि वीर शून्य हो गया। जब इतना बोले साथ साथ में डंडा खड़ा हो गया, हाँ लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले चुप रहो जनक महाराज, आपको पता नहीं यहाँ पर कौन बैठे हैं, ये मेरे प्रभु बैठे हैं और इनको सामने इतने बड़ी बात, पृथ्वी वीर शून्य हो गया। अरे मैं तो बचपन में ऐसे इतने धनुष खेलते खेलते हमने तोड़ दिया, ये तो सड़क लाए साधारण लकड़ी है, ये धनुष की क्या बात है? यदि ये पृथ्वी को मैं कक्षा के भक्ति उठा करके मैं चलना चुन कर सकता, इतना जो बोले इतने में तो जगन महाराज चुप हो गए। उदाहरण दिया लक्ष्मण को, बोले शेष शेषा बना है, कहते एक मणिधर सर्प होता है जिनके सर पर मणि होता है, अगर कोई मणि को छेड़ देना तो प्राण ले लेता है। कहते लक्ष्मण को शेष, मणि को बोले राम, अगर किसी राम को छेड़ देना लक्ष्मण कभी सहन नहीं कर सकता, पर पिताजी को भी नहीं छोड़ा, पिताजी को उन्होंने गाली गलत कर दिया, बोले कामी क्रोधी स्त्री बसी तो होकर के कई कई दी, हाँ प्रभु राम को वनवास दे रहे हो, पिताजी को गुरु ने नहीं छोड़ा, भरत को नहीं छोड़ा, मैं किसी को नहीं छोड़े, अगर राम को कोई कुछ बोल देना वो सशा बता रहे ना, एकदम क्रोधित हो गए। जब इतने बोले इतने में श्री विश्वामित्र कहते राम जी कहते बोले लक्ष्मण चुप बैठ जा, यहाँ गुरु जी बैठे हैं ना, अरे गुरु जी को आदेश देने दो तो, हाँ गुरु जी को आदेश देने दो तो। इतने में समय को देख करके श्री विश्वामित्र जी राम का आदेश दिया, बोले राम जाओ गुरु जनक महाराज का हृदय प्लुप्त आप उसको दूर करो, अभी गुरु जी का आदेश को पा करके भगवान धीरे धीरे आगे चले। माता सीता सामने खड़ी थी माला लेकर के, अभी राम की कोमलता को देख देख करके सीता तो प्राण छोड़ने के जा रही, लड़कियों सीता देवी ये सोच रही थी क्या ये धनुष को उठा पाएगी, लड़कियों इनके मन में शंका क्यों हो बेकार थी। जब भगवान राम सवेरे उस पर चयन करने गए तो सवेरे का समय था, उस पर चयन नहीं उस पर स्वयं इनके हाथ में समर्पित हो रहा था और मीठी मीठी मंद सुमंद हवा से सवर रही, लेकिन राम इतने कोमल शरीर है उसी समय में भी प्रभु राम का शरीर से पसीना बह रहा था, इतना राम कोमल अंग है। इसलिए सीता सोच रही थी जिस धनुष को 400 व्यक्ति उठाते हैं भैया ये धनुष पर राम इतने कोमल अंग वाले क्या उठा पाएंगे, वो बोल रहे थे अगर राम अगर धनुष को उठाने मेरी क्या होगी, इसलिए मैं तो प्राण त्याग करने जा रही हूँ। सीता प्राण त्याग करने जा रही थी, भगवान राम ने देखा कहा बरसा जब कृषि सूख जाए, अरे वो बरसा की क्या महत्व जब कृषि सूख जाए, धनुष क्यों उठाने काम का, सीता से शादी करने के लिए, अगर उठाने से पहले अगर सीता ही प्राण त्याग कर दिया तो धनुष उठा कर क्या लाभ। अभी रामचंद्र तेजी से जल्दी जल्दी गए और पता नहीं कब धनुष को पकड़े कब उठाए और उन्हें पर्वत का चढ़ाए, धनुष दो टुकड़े हो गए। इतने में जनक महाराज इतने प्रसन्न हो गए,
गई, बोले सुनैना जल्दी जल्दी सीता को लेकर के आओ। और सीता माता की प्रभु राम के गले में माला डालने जा रही थी, लेकिन सीता राम की कंधे तक प्रभु राम मुकुट पहने हुए हैं, मुकुट पहने हुए अभी माला कैसे पहनाएंगे, हाथी नहीं जा रहा, हाथी वहां पहुंच नहीं रहा था। इतने में सीता के सखियों ने श्री राम कान में चुपती सी बोली, फिर थोड़ी सी सर झुका दो, बोले क्या प्रभु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु बचन न जाए। हम सिर्फ दशरथ महाराज के बेटे, हमने कभी किसको चरण में सर नहीं झुकाया, अभी शादी भी नहीं हुई, बोले सर झुका, हम सर झुकाने वाले नहीं, ऐसे खड़े रहे सर उठा कर खड़े रहे। इतने में मैया सीता माला लेकर खड़ी, प्रभु सर नहीं झुका रहे, कभी क्या होगा भगवान राम। इतने में सीता की जो सहेलिया थी ना, लक्ष्मण को कान से बोले यही काम करा सकता है और कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी है ना, लक्ष्मण गुरु जी, ठाकुर जी किसकी बात को सुनते हैं, गुरु जी की बात को, संतों की बात को सुनते हैं, और किसकी बात ठाकुर सुनने वाले नहीं है। भगवान अपना प्रतिज्ञा छोड़ करके अपना संतों को प्रतिज्ञा रखा करते हैं, बोले यही कुछ कर सकते, ये लक्ष्मण है, सैसा बता भगवान के सेवक है, अगर सेवक कुछ बोले ना तो प्रभु को सुनना पड़ता है कभी कभी है, तो यही कुछ कर सकता है। इसलिए सखियों ने लक्ष्मण का कान से बोले, बोले लक्ष्मण अगर तू हमारी काम कराते तेरे काम भी हम करा दे, बोले क्या कर दो, बोले ये सीता देखने में जितने सुंदर है ना, इसकी एक छोटी बहन जिसका नाम बोल दिया वो भी ऐसे देखने में सुंदर है, हमारी काम करा दे, सीता जी की गला में माला डलवा दे राम की, फिर तेरे काम भी करते। लक्ष्मण शादी की बात सुनते ही बोले भैया फिर कुछ करना ही पड़ेगा है, शादी की बात आ गया ना, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। इतने में लक्ष्मण को राम कह रहे हैं, लक्ष्मण कुछ काम कर, देख कर भाभी खड़ी हुई है, मैं तो सर झुका ही नहीं सकता, तू कुछ कर। बोले प्रभु पृथ्वी तो दो टुकड़े हैं, पृथ्वी तो एक ही है, अगर दोनों को एक कर उठाएंगे तो तब दोनों ही उठोगे, अगर प्रदीप का नीचा करूंगा तो आप दोनों ही नीचा होगे। बोले कर देख तेरे भाभी को कैसे फूल माला लेकर खड़ी हुई, अभी प्रभु की भावना को समझते हुए श्री लक्ष्मण राम का चरण में प्रणाम किया। अगर कोई प्रणाम करेगा तो क्या होगा, उसको उठाना पड़ेगा। जब राम उठाने के लिए गए बस सर झुक गया और भैया सीता ने माला डाल दिए, बोले शिष्यावर रामचंद्र की जय। जब माला डाल दिए, अभी जो सखियां की साली लगती है ना, जरा सालियां भी तो क्यों दामाद से हसी दिलाई करते हैं, और लक्ष्मण को बोले क्यों लक्ष्मण, तेरे प्रभु का हार पहनना ही पड़ा, फूल का हार का काम होता है हार, ये हार को पहनना ही पड़ा, मतलब क्या तेरे प्रभु को सर झुकाना ही पड़ा हमारी सीता के सामने है, सीता के सामने झुकाना ही पड़ा प्रभु को। लक्ष्मण कहते तुम लोग हार बोलते हो, हम हार नहीं, हम तो जय माला बोलते हैं, प्रभु ने विजय किया है, धनुष को उठाया, इसलिए जय माला पहन, हार नहीं जय माला प्रभु ने पहन ली, बोले सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए आज श्री सीता माता जी की आज जन्मतिथि है, जिसने प्रभु राम को साथ में सीता इतने सुंदरी सीता थी, जिस समय अयोध्या में वापस आए हैं, जिस समय कौशल्या अभी सोच रहे थे मुंह दिखाई पड़ा है ना, मुंह दिखाए हैं, जब आए राम इतने सुंदर है, हर हर माता चाहती है मेरे बेटे के लिए जो बहू है ना, बेटे जैसे कम से कम ऐसे बहू होनी चाहिए ना, बहू भी ऐसे सुंदर होनी चाहिए, हर माता की तमन्ना है। जब सीता देवी को लाए, अभी मुंह दिखाई में जब कौशल्या ने सीता जी की घूंघट उठा करके दर्शन दी ना, उनको ऐसा लगा मानो दिन में कोई चंद्रमा प्रकट हो गया, इतनी सुंदर सीता देवी, और कई कई ने जब मुंह दिखाई में उनको तो उनको कनक भवन ही देख, उनको कनक भवन दे दिया, ये सीता ये कनक भवन थी, कई कई की ये कनक भवन थी,
माता सीता को दे दिया। और माता सीता ने जब भगवान वनवास गए, माता सीता भी सब मना करने पर भी लेकिन उन्होंने इसकी बात नहीं सुनी। बोले जब मैंने शादी आपसे की है, राम से बोली, राम को मना कर रहे थे, बोले मैंने आपको साथ में जब शादी की हूँ, आपका सुख में सुखी और दुख में दुखी, आप सुख भोग करके तो मैं भी सुख भोग करूँगी, आप अगर दुख भोग करके तो मैं ही दुख भोग करूँगी। क्यों? क्योंकि जो शक्ति शक्ति मधुर अभे, शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं, वो एक ही वस्तु है, वो भी अलग नहीं। सीता को छोड़कर राम भी और राम को छोड़कर के सीता भी, वो एक ही है। इसलिए कहते मैं आपके साथ जरूर जाऊँ, मैं पति प्रदर्शन का क्या धर्म है, पति प्रदर्शन धर्म का स्थित पति ही उसकी परमात्मा, पति ही परमात्मा ही, इसलिए आपकी सेवा करना हमारी कर्तव्य है। भारत में प्रभु राम को साथ में वनवास में गई, बड़े दुख कष्ट सहन करते हुए जिनकी चरण इतने कोमल, इतने कोमल फूल को ऊपर चले तभी उनको प्यार में दर्द होता है माँ लक्ष्मी, लेकिन उन्होंने इतनी आज्ञा पालन करने के लिए, उन्होंने पति सेवा करने के लिए जिंदगी भर उन्होंने बड़े दुख कष्ट सहन किया, बड़ी जिंदगी भर सीता ने दुख कष्ट जीवन सहन किया। 14 साल तक वनवास में रही, उसके बाद में आई तो फिर प्रभु राम ने एक धोबी के कहने पर उन्होंने सीता को अपने त्याग दिया और वाल्मीकि के आश्रम में सीता गई और जाकर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया और लव कुश को बढ़ा करके फिर उन्होंने सारे काम किए। इसलिए आज श्री सीता देवी की आज क्या है, आविर्भाव महोत्सव, आविर्भाव उनकी आविर्भाव आज श्री सीता देवी की आविर्भाव, प्लस सीता देवी की कहते और श्री नित्यानंद सत्य श्री जाह्नवा देवी की भी जन्मतिथि है। इसलिए नित्यानंद प्रभु का दो पत्नी थी, जाह्नवा और एक वसुदास, कहते सूर्यदास सर थे, इनकी ये दो बेटी थी, इनकी दो बेटी थी। नित्यानंद प्रभु जब संन्यास ग्रहण किया था, संन्यास लेने का बाद में भी महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आदेश दिया कि जाओ तुम जाकर के बंगाल में हरि कीर्तन को महाप्रभु का नाम को प्रचार करो और तुम जाकर के शादी करो, भगवान स्वयं आदेश दिया। क्योंकि जो जो शक्ति के बगैर जो शक्तिमान ये अधूरा है, इसलिए श्री महाप्रभु ने दो शादी किए, और को नहीं और पर महाप्रभु को दो पत्नी थी, कौन कौन है, विष्णु प्रिया और एक लक्ष्मी प्रिया, उनका भी दो पत्नी है। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु ये कौन है, केवल कृष्ण और बलराम देखने में दो है, ताऊ भैया और कृष्ण कन्हैया देखने में दो, एक काले और एक गोरे, लेकिन तत्वतः वो कोई अलग नहीं, भगवान का सर्वप्रथम जो काल भी हो उनने जो शरीर विस्तार किया सर्वप्रथम कौन है, जब श्री नित्यानंद प्रभु श्री ताऊ भैया, श्री ताऊ भैया। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं आजाद लंबित भुजो जनिका बदातो संकीर्तन कवि करो कमलाय दासो विश्व भरो तिज भरो जुग धर्म पालो बंदे जगत प्रिय करो करुणा बताओ। ये दोनों ने एक साथ में वृंदावन का ठाकुर दोनों को बराबर देखा है, तो देखने में दो है लेकिन ये दो नहीं ये एक है, दोनों में अजाम लंबित हुए, दोनों में गौरव है, दोनों ही जगत में हरि कीर्तन प्रचार किया है, दोनों का ही आग कमल जैसे आग है, दोनों ही विश्व को भक्ति द्वारा जगत को भरण पोषण किया, इसलिए जगत का जगत को करने दोनों ही कामना की है। इसलिए इनकी भी दो पत्नी जाह्नवा और वसुधा, इनके भी दो पत्नी है। इसलिए कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि जो जाह्नवा ठाकुरानी कहते तो उसने शरीर छोड़ चुके थे, उसने शरीर छोड़ चुके थी, अभी उनको शरीर को दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे, दाह संस्कार करने के लिए ले गए थे,
लेकिन कहते श्री नित्यानंद प्रभु हैं, ये पहले अवधूत थे। अवधूत मतलब क्या? कहते कृष्ण प्रेम में दिन रात पागल बनकर रहे जो नित्यानंद प्रभु। अभी महाप्रभु का आदेश हुई, जाओ क्या करो, शादी करो। अभी कोई सन्यासी पहले हो, अगर वो बोले हम शादी करेंगे, बताओ उनको कोई बेटी देगा? फिर पता नहीं कब बेटी को छोड़ जाकर फिर शादी नहीं करती है, फिर बेटी क्या रहेगी, बेटी बैठ दे जाएगी। अरे साधु पहले सन्यासी थे, कहती है शादी करके कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं। राजा के पास में ही गए, हैं भैया हमने शादी की, हमें कोई स्थान दे दो। बोले पागलों को जगह देगा, इसलिए एक स्थान का नाम खड़गा। खड़गा मतलब होता है, खड़ मतलब होता है धान का जो पेड़ है ना, धान का जो पेड़ होता है उसको बंगाल में खड़ कहते हैं। दह मतलब होता है जैसे एक टापू जैसे बन जाए। राजा ने इनको शादी को बाद में इनको कोई स्थान नहीं दिए, इन्होंने गए और जा करके उन्होंने तेरे राज्य भी नहीं रह गए, अलग अलग बना हुआ। उसने उसको लेकर गंगा में उन्होंने फेंक दिए, फेंकते ही वहाँ पर सुंदर एक टापू जैसे बन गया। फिर उन्होंने वहीं पर उन्होंने कहते ये उनको प्राण दान किया था जहनवा देवी को देख कर। तो उन्होंने फिर जब उन्हें प्राण दान किए, जब उनको साथ में उन्होंने शादी किए, कोई और भी एक बेटी थी जहनवा और वसुधा, फिर उन्होंने दोनों बेटी को श्री नित्यानंद प्रभु को साथ में उन्होंने शादी करवाया। कहते जो जहनवा ठाकुर ये बड़ी प्रतिभाशाली, बड़ी प्रतिभा नित्यानंद प्रभु की ये शक्ति है, इसे बड़ी प्रतिभाशाली थी, बड़ी प्रतिभाशाली। इसलिए जब महाप्रभु जगत में चले गए, नित्यानंद प्रभु जगत में चले गए हैं, इसलिए कुछ कुछ गोस्वामी उसी समय ये जहनवा ठाकुरानी आचार्य जी था, उन्होंने जगत में भगवत भक्ति प्रचार की और जगत में उन्होंने आचार्य का काम किए। और जितने गोस्वामी नरेंद्र श्यामानंद श्रीनिवास जी गोस्वामी सब के सब इनकी आनुगत्य में है, आनुगत्य में इन्होंने यानी कि आनुगत्य में उन्होंने भजन किया है। कभी जो जहनवा ठाकुरानी कभी ये एक रूप में कौन है, पर ये जैसे नित्यानंद प्रभु है, जैसे श्री कभी जहनवा ठाकुरानी कभी ये आनंद मंजिल, ये कौन है, ये आनंद मंजिल के अवतार। आनंद मंजिल कौन है, राधा रानी की छोटी बहन। एक समय राधा रानी ये आनंद मंजिल राधा रानी की छोटी बहन थी, इसलिए ये बहुत सेवा करती थी राधा रानी की, कृष्ण की ये बहुत सेवा करती थी। एक समय राधा रानी प्रसन्न होकर के बोले आनंद मंजिल अगर तुम्हारे मन में कुछ इच्छा हो तो माँ आप सब कुछ देने की तैयार, बोले आप दोगे मेरे को? बोले मेरे को भी कभी कभी जैसे आप कृष्ण की बाम तरफ में खड़ी रहती हो, इसलिए मेरे को भी कभी कभी बाम स्थान पर मेरे को भी कभी कभी मेरे को भी सुझक देना, मैं भी कभी कृष्ण की बाम तरफ में खड़ी रहने की इच्छा करती। अब राधा रानी बोली ठीक है, जब कली युग में जब यही कृष्ण गोपीनाथ बन करके आएंगे फिर मैं अपना स्थान तेरे को दे दूंगी, तेरे स्थान में अपना ले, इसलिए तुम कृष्ण की पाप तरफ में खड़ी हो जाना और मैं कृष्ण का टाढ़ा तरफ में खड़ी हो जाओ। इसलिए श्री जहनवा ठाकुरानी जब श्री नित्यानंद श्री गोपीनाथ वृंदावन में गोपीनाथ मंदिर में परिक्रमा लगा देती, इतने में कृष्ण ने किया क्या है, एक तरह का साली है ना, आपको पता होगा कहते खाने का स्वभाव थाली में, कीर्तन का स्वभाव थाली में, कहते घर का स्वभाव साली में, घर का स्वभाव साली में, साली बड़ी प्यारी होती है। इतने में श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री गोपीनाथ जब जहनवा ठाकुर परिक्रमा कर रही थी, इतने में गोपीनाथ ने उनको साली पकड़ करके उनको अपना बाम तरफ में उन्होंने स्थान दे दिया। फिर जहनवा ठाकुरानी एकदम अनंत मंजिल बन बन करके इनके बाम तरफ में ये खड़ी हो गई। इसलिए आप कहीं भी गोपीनाथ जी का मंदिर देखोगे, आप देखोगे कृष्ण का बाम तरफ में राधा रानी नहीं, ये अनंत मंजिल, ये जहनवा ठाकुरानी की
अवतार श्री जानवा ठाकुरानी और इन्हा नहीं राधा रानी को पहले जैसे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन चित्र ठाकुर पहले कृष्ण कृष्ण थे लेकिन राधा रानी को किसने स्थापन की श्री जानवा ठाकुरानी ने राधा रानी को हर मंदिर मंदिर में उनने श्री राधा रानी को उन्होंने स्थापन की जुगल सरकार भी उन्होंने स्थापन की और उन्होंने बड़े आचार्य का उन्होंने काम किया उन्होंने और जगत में महाप्रभु का भक्ति को जो धारा को उन्होंने जगत में प्रचार और प्रसार किया है इसलिए आज है श्री जानवा ठाकुरानी की आज श्री आविर्भाव मिलती है बोले श्री जानवा ठाकुरानी की यदि आज श्री मधु पंडित का तिरुभाव है यदि मधु पंडित कौन है यदि मधु पंडित जिन्होंने गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन ये तीनों को बज्रनाभ ने स्थापन किया है तीनों को ये बज्रनाभ ने तीनों ठाकुर को स्थापन किया था जब उनकी दादी उतरा बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाया करते थे कृष्ण की कृष्ण कैसे वंशी पे जाते थे कैसे जिनकी बल से भरी सुन करके संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को उथल पुथल रख जाते थे वृक्ष से मधु झरना शुरू होता था आकाश से बारिश हो जाती थी फूल खिल जाती थी कृष्ण जब बंसी बजा कर जाते थे कि जंगल में पूरा पेड़ में फूल फूल खिल जाए मानो कृष्ण का स्वागत करते कृष्ण जब वापस चले जाए पेड़ अपने आप हो जाए हैं कैसे यानी बंसी ध्वनि से जब ना उल्टी बहती थी बंसी ध्वनि से कैसे पक्षी कैसे मुनि बन जाते थे हैं और बंसी ध्वनि सुन करके कैसे यमुना में फूल खिल जाती थी सुंदर उन्होंने कृष्ण की कितने सुंदर सुंदर कृष्ण कथा सुनाई अब ये कृष्ण कथा सुनते सुनते बज्रनाभ हैं दादी को बोले बोले मेरे को थोड़ी सी हम दादा का दर्शन करा कैसे दादा तब उन्होंने मिस्त्रियों को बुला करके कृष्ण रूप की उन्होंने वर्णना की कृष्ण ऐसे थे मूर्ति बना तब उन्होंने मूर्ति बनाई तो पहला जो मूर्ति बनी बोले बताओ ये कृष्ण के जैसे हुए कि नहीं बोले केवल कृष्ण की बुखार मिले जैसे था ना ये ऐसे ही हुआ इनके बक्ष स्थल चरण नहीं आए पर उसका नाम गोविंद रख दिया बोले और एक मूर्ति बनाओ वो जब कम्प्लीट हो गया बोले बताओ कृष्ण जैसे हो कि नहीं बोले केवल इनके बक्ष स्थल जैसे उनका नाम रख दिया गोपीनाथ फिर तीसरा मूर्ति बनाए बोले इनमें केवल कृष्ण का चरण कमल आया इसलिए उनका नाम रख दिया मदन मोहन नाम रख दिया इसलिए यदि तीनों ठाकुर का स्थापन किया लेकिन काल क्रम से जो मुसलमान लोग जब जब इनके राजत्व मिले ना हमारे हिंदू धर्म को करके बड़ा अत्याचार किया बड़े अत्याचार हिंदू धर्म को करने किया और ये हिंदू लोग बड़े दीन हिंदू लोग हैं बड़े अत्याचार हिंदुओं ने किए इसलिए उस समय में औरंगजेब का आक्रमण से सारे ठाकुर को हैं ये सारे ठाकुर को कहीं छुपा छुपा करके सब भाग गए कहीं मिट्टी पर नीचे काट दिए किसी ठाकुर को तलाब करने में डाल करके क्योंकि मुसलमान सब तोड़ फोड़ कर देते थे ठाकुर मंदिर को इन लोगों ने फेंक फाक करके कहीं चले कभी हमारे तरफ मोदी जी आ गया थोड़े हिंदुओं को थोड़ी सी सपोर्ट करने वाले लेकिन अगर राजीव गांधी बन गया राहुल गांधी बन गया तो क्या होगा सारे हिंदू धर्म को धीरे 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 पहले जैसे दिखता फिर दोबारा जाए दुनिया में फिर दोबारा जाए इसलिए इन लोगों ने सारी मंदिर तोड़ फोड़ ठाकुर को तोड़ फोड़ उन्होंने किया है फिर तो उन्होंने सत्यानाश कर दी और जितने भक्त लोग थे ठाकुर को छुपा करके कहाँ छुपाया बिट्टी को नीचे ये तोड़ नहीं दे बिट्टी को नीचे छुपा करके चले गए हैं इसलिए श्रीमद महाप्रभु जब आए तब उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को आदेश दिया जाओ तुम जाकर के वृंदावन को उद्धार करो और इन लोगों ने फिर धीरे धीरे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन को प्रकाशित किया धीरे गोविंद देव का श्री सनातन गोस्वामी ने प्रकाशित किया और श्री गोविंद और श्री मदन मोहन को श्री गोविंद देव रूप गोस्वामी ने प्रकाशित किया सनातन गोस्वामी श्री मदन मोहन को प्रकाशित किया कहते ये गोपीनाथ को किसने
कंसरी बंधु पेट में ये गोपीनाथ जी को किया कि आप बंसी बट को दीजिए हैं जहां पर कृष्ण बंसी बजाए थे बंसी बट को दीजिए उन्होंने ठाकुर जी को कार करके चले गए थे हे जमुना की हैं इतने में श्री गोपीनाथ पंडित जी को ठाकुर ने स्वप्न आदेश दिया मैं ये बेटी को नीचे बंसी बट को नीचे मेरे को भक्त को कार करके चले गए अभी आ करके मेरे को उद्धार करो और जमुना की लहरी आई किनारा पानी आई तो धीरे धीरे मिट्टी को काटते गए और काटे तो और वहीं से श्री बंसी बट को नीचे से गुजरना थी वहीं से प्रकट हो गए श्री गोपीनाथ जी की जय यदि जो गोपीनाथ है ये हमारी प्रयोजन देवता तीन ठाकुर तीन तत्व के अधिष्ठात्री देवता संबंध तत्व के श्री अभिधेय का श्री गोविंद देव और जो प्रयोजन जो देवता हमारे श्री गोपीनाथ इसका मतलब क्या है बोले हमारा जीवन का जो लक्ष्य है यद्यपि कृष्ण को भक्ति उनका सखा लोगों ने किया माता जी की वैष्णव लोगों ने किया है लेकिन जो भगवान जो संपूर्ण रूप में जिनके प्रेम में वसूल हुए हैं ये गोपियों की प्रेम जहाँ पर कृष्ण अपने आप को उनके चरण में अपना ऋणी मानते हैं लगुनिया ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं कभी भी तुम्हारे ऋणी को नहीं चुका सकता क्योंकि तुम लोग मेरे लिए पुत्र परिवार भाई बंधु सारा दुनिया को तुम लोगों ने मेरे लिए त्याग दिए हो मैं तुम्हारी हसनय ऋणी भी बना रहूंगा इसलिए यही गोपीनाथ भी हमारी प्रयोजन देवता है मतलब है गोपियों ने जैसे प्रभु का सेवा की हम भी उसी ऐसे ही सेवा ठाकुर जी की करना चाह रहे हैं इसलिए आज बड़े बड़े संतों का जन्मदिन भी है हम सभी चरण में प्रणाम करते हैं जो सारे सीता देवी श्री जहनवा ठाकुर जी मधु पंडित हम सबको कृपा करें जैसे सारा जीवन गुरु वैष्णव की आनुगत्य में रह करके हम सारा जीवन भगवान की भक्ति कर सके ये सब महापुरुष हम सबको उभरने कृपा करें पिता गौर प्रेमानंद देव हरि हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा